रायगढ़ ब्लॉक के सरसेवा से सरायपाली जाने वाला मुख्य मार्ग जर्जर होने के कारण राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इस सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। डेढ़ साल पहले लोक निर्माण विभाग ने 18 करोड़ रुपए की लागत से 72 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण किया था, लेकिन गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण करने के कारण डेढ़ साल पे ही सड़क खराब होने लगी। जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, साथ ही दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। कभी कभी जान का खतरा ही बन जा रहा है सर, लेकिन हमारे जो ठेकेदार है इतने तक पैसे ले रहे हैं और पूरा घटिया तरीके से पिचिंग का काम हो रहा है सर। रोड बहुत ही खराब है, गड्ढे बने हुए हैं, पानी गिरा है तो पानी भर गया, इसलिए गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी अभी हम लोग गिरने से बचे हैं, थोड़ा बहुत पॉलिश कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया है। आने जाने में परेशानी हो रही है क्या? आने जाने में रोज गाड़ी वाले गिर रहे हैं, गड्ढे में पानी भर रहा है। नहीं तो नवीनीकरण का कार्य है, इसमें क्या मरम्मत कार्य होता है ऐसे, उसी को करवा देना था सर बरसात से पहले, ताकि लोगों को ये समस्या से ना जूझना पड़े सर। किया है कई जगह काम किया है उसने, कुछ जगह पेचेस हो गए थे तो उसको भी सुधार किया है, लेकिन अब बरसात के बाद में जो गड्ढे हुए हैं उसको तो बरसात के बाद ही बना पाएगा।